बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और रीजनल बुलेटिन रोशन नगर के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कलात में मजहबी रसूमात में मुदाखलत का मामला, हिंदू बिरादरी ने एहतजाजन कारोबार बंद कर दिए। कलात की हिंदू बरादरी ने एहतजाजन कारोबार बंद कर दिए। इस मौका पर हिंदू पंचायत के रहनुमाओं का कहना था, गुज़िश्ता दिनों उनकी कम्युनिटी की एक औरत फौत हुई जिसे मकामी शमशान घाट में जलाया जा रहा था कि नामालूम शरपसंद अनासिर ने इसकी बाकियात को नुकसान पहुंचाया। किसी की मजहबी रसूमात में मुदाखलत और नाश की बेहरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, ये मजहबी आज़ादी के खिलाफ इकदाम है। डिप्टी कमिश्नर कलात दीगर हुकाम से अपील करते हैं कि अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोटरवे पुलिस M5 सेक्टर ऑफिस में DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सेक्टर कमांडर M5 सेक्टर 1 राना मोहम्मद इस्माइल, सेक्टर कमांडर N5 सेंट्रल नदीम अशरफ वड़ाइज, सेक्टर कमांडर सब सेक्टर M4 आतिफ चौधरी, DSP लाइन हेडक्वार्टर आबिद मिर्सा, DSP बेट 23 चौधरी मसरूर अली और तमाम मीडिया पर्सन ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद ने कहा कि मोटरवे पर नो मोर मुहिम जारी रखते हुए ट्रैफिक कवानीन को मजीद सख्त कर दिया गया है और मोटरवे पर सफ़र करने वाले ड्राइवर्स की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोटरवे सेंट्रल 2 जोन पर जदीद ITS सिस्टम और ड्रोन कैमरा की मदद से वायलेशन पर काबू पाया जा रहा है। रवां साल 115 गुमशुदा बच्चों को उनके वालदैन के हवाले किया गया, जबकि मोटरवे सेंट्रल 2 जोन पर एक दिन में तकरीबन 615 गाड़ियों को मदद फराहम की जाती है। मोटरवे पर सफ़र करने वाली तमाम बसों में ट्रैकर सिस्टम और डैशबोर्ड कैमरा भी लगवाए जा रहे हैं और तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रैकर की मालूमात भी ली जा रही है, जिसकी मदद से ड्राइवर की जानिब से ओवर स्पीडिंग लाइन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखने में मदद मिल सकेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दिनेश कुमार ने गुज़श्ता रोज़ कलात में शमशान घाट वाक़िया की पुरजोर मुसम्मत की। दिनेश कुमार ने कहा कि शमशान घाट में नामालूम शरपसंद अनासिर की जानिब से मैयत की बेहरमती काबिले मुसम्मत है और नाकाबिले बर्दाश्त है। कलात में हिंदू अकलीती बिरादरी सदियों से अपने मुस्लिम भाइयों के साथ अमन अमान से रह रही है। इस तरह के वाक़ात से शरपसंद अनासिर मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। इन शरपसंद अनासिर को ये समझना चाहिए कि उनके मजमूम मकासद कभी पूरे नहीं होंगे। सेनेटर दिनेश कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि कलात की मुस्लिम बिरादरी ऐसे अनासिर की जल्द निशानदेही करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। सेनेटर दिनेश कुमार ने हुकूमत और इंतजामिया को कहा है कि वाकई में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद ताहिर वट्टू की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से ग्राम फरोशों और ज़खीरांदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ज़िला भर में 1000 से जायद कार्रवाइयाँ की। क्रैकडाउन के दौरान सितंबर में 25 लाख से जायद जुर्माना किया गया, जबकि ग्राम फरोशी पर 28 मुकदमा दर्ज किए गए। इसी तरह 14 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िला में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नज़ीर की सदारत में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रिजवान नज़ीर ने कहा कि बड़े ज़खीरांदोज़ों और माफियाज पर हाथ डाला जाएगा, जबकि मंडियों में शफाफ नीलामी के जरिए अशिया खुर्दनोश की तरसील यकीनी बनाई जाए। आटे की बिलातअतल फराहमी के लिए फ्लोर मिल्स को खसूसी वार्निंग जारी की गई है। प्राइस कंट्रोल कमेटी हर हफ्ता सरकारी रेट्स जारी करेगी। दरियासना इजलास में फैसला किया गया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ग्राम फरोशों पर सख्त एक्शन लेंगे। चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्ला खान ठोमकी ने गुज़श्ता रोज़ कलात में अकलीती बिरादरी के शमशान घाट वाक़िया की पुरजोर मजम्मत की। मीर सैफुल्ला खान डोमकी का कहना था कि शमशान घाट में नामलूम शरपसंद अनासिर की जानिब से नाश की बेहरमती काबिले मुसम्मत है। कलात में हिंदू अकलीती बिरादरी सदियों से अपने मुसलमान भाइयों के साथ अमन अमान से रह रही है। इस तरह के वाक़ात से शरपसंद अनासिर मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं, उनके मजमूम मकासद कभी पूरे नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया वाक़े में मुलविस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवा ताकि आइंदा किसी को ऐसी मजमूम हरकत की जुरत ना हो। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर एहसान ने कहा कि जनूबी पंजाब पुलिस पे इस्तलाहात के लिए मस्बत इकदाम का फरोग अवलीन तरजीह है।
पुलिस की कारकर्दगी बेहतर करने और प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट पर अमल दरामद के हवाले से एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने सेमिनार का इनेकाद करवाया, जिसमें डायरेक्टर हेडक्वार्टर एफआईए इस्लामाबाद जावेद अकबर रियाज ने खसूसी शिरकत की और अफसरान को लेक्चर दिया। सेमिनार में एआईजी ऑपरेशन इमरान शौकत और जनूबी पंजाब के तमाम अजला से अफसरान ने शिरकत की। डायरेक्टर एफआईए ने खिताब करते हुए कहा कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 के तहत पुलिस को इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई अमल में लाते हुए चाइल्ड लेबर और ख्वातीन से मुतलिक जराइम की रोकथाम से मुल्की मियार को बुलंद करना चाहिए। कुबाखानों में बुराई के लिए इस्तेमाल होने वाली बच्चियों के सरकनों की बीखकनी की जाए, सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के पीछे छुपे हकाइक का बगौर जायजा लिया जाए, बच्चों से ज़बरदस्ती गलत काम करवाने वाले वालदैन के खिलाफ एफआईआर का इंदराज किया जाए। उन्होंने बताया कि 2022 में औरतों और बच्चों से मुतलिक जराइम की रोकथाम में पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पर मियार बेहतर रहा। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर काम करने वाली खवातीन का इंटरव्यू करे और हालात का जायजा ले कि औरतों से कोई काम ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया जा रहा। कुबाखानों से पकड़ी जाने वाली लड़कियों के सप्लायर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि जनूबी पंजाब में अफसरान ज़िले सतह पर पुलिस अफसरान के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद करें और कवानीन पर अमल दरामद करवा कर रिपोर्ट भिजवाएं। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एक्ट पर अमल दरामद के लिए लेडी डीएसपी विहाड़ी को फोकल पर्सन तैनात कर दिया। मुल्तान में भस्म कुरान जनूबी पंजाब की जानब से मुनक्दा आलमी महफिल हुस्न किरत में इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता कुरा कराम ने शिरकत की। भस्म कुरान जनूबी पंजाब की जानब से जामियतुल उलूम मुल्तान में आलमी महफिल हुस्न किरत का इनेकाद किया गया, जिसमें कारी वकासुल हुसैनी आफ गोजरावाला, कारी वसीमुल्ला अमीन, कौमी एवार्ड याफ्ता कुवैत जमहूरिया मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरुन नगमात कारी महमूद आशूर और कारी यासर सराया ने खसूसी शिरकत की। कुरान मजीद को लहन दाऊदी में पढ़ते हुए आलमी शोहरत याफ्ता कुरान ने समा बांध दिया। बाद अज़ां बज़्म कुरान जनूबी पंजाब की जानिब से सूबाई सतह पर होने वाले मुकाबला जात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और मुअस्सिस मेहमानों में यादगारी शील्ड्स तकसीम की गई। इस मौका पर सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात MPA नदीम कुरैशी, नामजद उम्मीदवार जमात इस्लामी NA156 इंजीनियर आतिफ इमरान, सैयद अब्दुल कादिर शाह, हाफिज़ मोहम्मद असलम, उसामा उज़ैर, पाकिस्तान राइटर विंग के अहदेदारान, जमीयत इशातुत तौहीद वल सुन्नत, जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स और जामिया कासमिया के वफूद भी मौजूद थे। आखिर में नाज़िम बज़्म कुरान जनूबी पंजाब हाफिज़ सफ़ीउल्लाह ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। रोशन नगर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान। मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।